लखीमपुर से खबर आ रही है कि फरदान थाना क्षेत्र के गांव पचपेड़वा के निवासी मंशाराम मौर्य 37 वर्ष का शव संदिग्ध परिस्थितियों में दोपहर बाद नाले में उतराता हुआ मिला। करीब 2 घंटे के बाद गांव के लोगों ने शव को नाले में देखा तो घटना की सूचना युवक के परिजनों को दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने में चीख पुकार मच गई। पचपेड़वा गाँव निवासी मंशाराम मौर्य दोपहर को घर से साइकिल से निकला था। गांव के बगल से होकर शारदा नहर ब्रांच की नहर से नाला निकला हुआ है। दोपहर बाद करीब 4 बजे मंशाराम का शव नाले में संदिग्ध परिस्थितियों में उतराता हुआ मिला। आसपास से निकलने वाले राहगीरों ने परिजनों व पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। नाले में कैसे डूबा ये तो पता नहीं चल सका है। मंशाराम की साइकिल और चप्पल नाले के बाहर पड़े मिले। ग्रामीणों के अनुसार वो साइकिल से जा रहा होगा और लड़खड़ाकर नाले में गिर जाने के कारण वो बाहर नहीं निकल सका होगा और हादसा हो गया होगा। मंशाराम की मौत के बाद उसकी पत्नी गायत्री देवी समेत एक बेटा ईशु 17 वर्ष, 2 बेटी नीलम 13 वर्ष और नैन्सी 8 वर्ष का रो रोकर बुरा हाल है। मंशाराम की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा उठाता था। पुलिस ने पंचायतनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।